आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंगुलर क्वांटिटीज़ से एंगुलर क्वांटिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप ये भी कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ प्लेन एंगल और उसको रिप्रेजेंट किसे किया जाता है थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या लेट से हमारे पास एक बॉडी किसी भी कर्व पाथ में मूव कर रही हो इस कर्व पाथ की अगर बात की जाए तो इसका सेंटर लेट से ओ है और इसका जो रेडियस है दैट इज़ आर तो अगर एक बॉडी मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी तो पॉइंट ए टू बी हमारे पास ये जो लेंथ होती है इसको हम नाम देते हैं आर्क लेंथ का या लेंथ ऑफ द आर्क और रिप्रेजेंट इसको किया जाता है एस से या एल से ओ टू ए ये भी रेडियस है ओ टू बी ये भी रेडियस है तो इन दोनों लाइंस के इन बिटवीन जो एंगल बनता है एट द सेंटर ऑफ अ कर्व पाथ दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एंगल एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ और अ कर्व पाथ बिटवीन टू रेडियाई कि दो जो रेडियाई हैं उनके इन बिटवीन बनने वाला एंगल ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो इसका रिलेशन क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशो बिटवीन आर्क लेंथ एंड द रेडियस ऑफ अ कर पाथ कि जो कर पाथ हमारे पास है उसमें आर्क लेंथ एस को अगर डिवाइड कर दिया जाए रेडियस आर से तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है इससे रिलेटेड जो सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट वन के अंदर कि हमारे पास मिनट हैंड सेकंड हैंड या और हैंड का अगर एंगल हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं यहां पर मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक और रिलेशन भी बता दूं कि अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना हो और जो डाटा गिवन हो वो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर विलासटी और टाइम गिवन हो तो तब रिलेशन यूज़ होगा एंगुलर विलासटी टाइम्स टाइम तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये मैं रेफरेंस आपको बता दूं ये फार्मूला कहाँ से आया ये फार्मूला आया है एस इज इक्वल टू वी टी तो डिस्प्लेसमेंट का जो एनालॉग है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और विलासटी का एनालॉग एंगुलर विलासटी है तो अगर कोई आपको क्वेश्चन आए जहाँ पर ये डाटा ओमेगा टी की फॉर्म में हो तो तब भी आप थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर है यहाँ तक अब यहाँ पर आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट की बात हम कर लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है इसकी डायरेक्शन क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऐसा यूनिट की बात करें और ये टॉपिक भी हमारा इस यूनिट का है दैट इज रेडियन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ए डी से और रेडियन के अलावा अगर हम अदर यूनिट्स की बात करते हैं तो अदर यूनिट्स के अंदर हमारे पास डिग्री भी इसका यूनिट है डिग्री के अलावा रेवोल्यूशन भी रेवोल्यूशन के अलावा साइकिल भी और इवन मैथमेटिक्स में आप लोग मिनट और सेकंड ये भी यूज़ करते हो और ये भी यूनिट हमारे पास एंगल के यूज़ होते हैं मैं अगर आपको रेफरेंस दूँ कि आपकी बुक में ये कहाँ पर है तो चैप्टर नंबर फाइव के अंदर ही जब आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो जो लाइट के बेंड होने का एंगल है अगर आप उसके यूनिट को देखो तो वो सेकेंड में मैंशन है तो मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मिनट भी होता है और सेकेंड भी होता है अब स्पेसिफिकली अगर हम रेडियन की कन्वर्जन को देखते हैं क्योंकि कन्वर्जन से रिलेटेड इस यूनिट में क्वेश्चन आ सकते हैं तो कन्वर्जन बड़ी सिंपल सी है कि वन रेडियन इज इक्वल टू तो वन रेडियन किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू वन एटी ओवर पाए डिग्री जिसको हम सॉल्व करके क्या लिखते हैं 57.3 डिग्री इसके रिवर्स कन्वर्जन भी आपको याद रखनी है कि वन डिग्री किसके इक्वल है तो वन डिग्री इज इक्वल टू पाए ओवर वन एटी रेडियन और ये किसके इक्वल है जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन फोर रेडियन इसके अलावा अगर हम वन साइकिल की बात करें या वन रेवोल्यूशन की बात करें या फिर हम वन कंप्लीट रोटेशन की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू टू पाई रेडियन या फिर ये थ्री सिक्सटी डिग्री के इक्वल होगा और इसकी कन्वर्जन बिल्कुल वैसी है जैसे हम टाइम के अंदर मिनट और सेकेंड की कन्वर्जन को कर रहे होते हैं कि हमारे पास जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड हैं उसी तरह की इसकी भी कन्वर्जन होती है कि वन मिनट इज इक्वल टू वन ओवर सिक्सटी डिग्री और अगर वन सेकेंड की बात की जाए तो वन ओवर थर्टी सिक्स हंड्रेड डिग्री होता है मैं इसको मेंशन भी यहां पर कर देता हूँ जो आप चीज़ मेरा ख्याल है पूछना चाह रहे हैं कि मिनट और सेकंड के साथ और क्या वर्ड यूज होता है तो वो बेसिकली ये वर्ड यूज हो रहा होता है आर्क ऑफ मिनट या फिर आर्क ऑफ सेकंड लेकिन अगर आर्क का वर्ड यूज ना भी हो तो तब भी हमारे पास ये एंगल के लिए यूनिट यूज हो सकते हैं और इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ चैप्टर नंबर फाइव के अंदर ही आइंस्टाइन थ्योरी के अंदर ये मैंशन है कि हमारे पास जो लाइट डेविएट हुई थी वो किस एंगल पर हुई थी और इसकी कन्वर्जन अगर आप याद रखना चाहें तो हमारे पास मिनट के लिए सिंबल ये यूज़ होता है और वन मिनट किसके इक्वल है दैट इज़ इक्वल टू वन ओवर सिक्सटी डिग्री और इसी तरह जो सेकंड है उसका जो सिंबल हमारे पास यूज़ होता है वो ये है और वन सेकंड इज़ इक्वल टू वन ओवर सिक्सटी इन टू सिक्सटी वन ओवर थर्टी सिक्स हंड्रेड डिग्री तो ये अगर आप कन्वर्जन याद रखना चाहें तो रख सकते हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पार सेकेंड हमारे पास यहाँ पर यूज़ नहीं होता आर्क ऑफ सेकेंड यूज़ होता है या फिर आर्क ऑफ मिनट यूज़ होता है जो पार सेकेंड हमारे पास है वो यूनिट होता है लेंथ का पार सेकेंड एंगल का यूनिट नहीं है तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि पार सेकेंड हमारे पास एंगल का यूनिट है पार सेकेंड इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ और पार सेकेंड की वैल्यू हमारे पास जो होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली थर्टी वन ट्रिलियन किलोमीटर तो पार सेकेंड एंगल का यूनिट नहीं है एंगल का जो यूनिट हमारे पास है दैट इज़ आर्क ऑफ मिनट और आर्क ऑफ मिनट के अलावा आर्क ऑफ सेकेंड इसको सिंपल मिनट और सेकेंड भी लिखा जा सकता है अब स्टूडेंट ने बात की कि हम एंगल की बात कर ले वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी कि वो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर के हवाले से कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर क्या है अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर की बात करें तो आपकी बुक में बड़ा क्लियरली मैंशन किया हुआ है कि स्केलर एंड वैक्टर दोनों की इसको वैक्टर कब लिया जाता है इसको वैक्टर लिया जाता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को समझने के लिए आप इसको यूं याद रख सकते हैं कि टाइम इतना स्मॉल हो कि हमारे पास उसमें जो आर्क लेंथ है एस वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कि लेट से अगर एक बॉडी हमारे पास एक सर्कुलर पाथ मूव कर रही है और ये इसका सेंटर ओ और ये इसका रेडियस आर तो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तब ये जो एंगल थीटा होता है इसको वेक्टर लिया जाता है और इस केस में ये जो आर्क लेंथ एस

अब डायरेक्शन के हवाले से एक पॉइंट याद रखें कि जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर एक्सेलेशन है टॉर्क है एंगुलर मोमेंटम है, है जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं हमारे पास तमाम की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है कि जिस एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके अलोंग होगी और या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही होगी ये हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है अब यहां पर डायरेक्शन से रिलेटेड आपको दो कन्वेंशन को याद रखना है वो कन्वेंशन क्या है कि हमारे पास या तो बॉडी किसी प्लेन के अंदर रोटेट कर रही होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर किसी प्लेन के अंदर बॉडी रोटेट कर रही होगी क्लॉक डायरेक्शन में अब दो ये कन्वेंशन आप लोगों ने याद रखनी है अगर किसी प्लेन के अंदर क्लट के से हमारे पास ये एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन इसको बोल दें वाई जी प्लेन बोल दें इस प्लेन में अगर बॉडी रोटेट कर रही है क्लॉक वाइज या एंटी क्लाक वाइज तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है अगर बॉडी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होता है और ये

एंटी क्लॉक रोटेट करें तो थम कहाँ है अपवर्ड तो अगर बॉडी एंटी क्लॉक रोटेट करे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होती है और इसको पॉजिटिव लिया जाता है तभी आपका जो एंटी क्लॉक एंगल है वो पॉजिटिव कंसिडर होता है और अगर हमारे पास किसी प्लेन में बॉडी रोटेट करे किस डायरेक्शन में क्लॉक तो क्लॉक डायरेक्शन में अगर आपके पास रोटेशन ऑफ फिंगर्स हो तो हमारा जो थम आएगा वो कहाँ पर आएगा वो इनवर्ट टू द प्लेन आएगा और इस केस में हम थीटा को क्या लेते हैं नेगेटिव तभी ये कन्वेंशन हम यूज कर रहे होते हैं हर जगह कि जहां पर भी हमारा एंटी क्लॉक वाइज एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा और जब आप क्लॉक वाइज एंगल लेते हो वो क्या लेते हो नेगेटिव रीजन थीटा की डायरेक्शन है इस थीटा की डायरेक्शन को समझने के लिए आपको मैं एक सिंपल सा और रूल भी बताता हूँ जो आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं कई दफा मैं भी भूल जाता हूँ कि अगर मैंने स्क्रू को टाइट करना है तो क्या क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज बता घुमाना है क्लॉकवाइज सिंपल है आप क्या करोगे अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाओगे जब आप अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऑटोमेटिकली जो थम आ रहा होगा वो डाउनवर्ड आ रहा होगा आप किसी पेपर के ऊपर अपने हाथ को रखो और एक दफा फिंगर्स को क्लॉक घुमाओ और एक दफा एंटी क्लॉक घुमाओ तो एंटी क्लॉक में थम अपवर्ड आएगा और जब फिंगर्स को क्लॉक करोगे आपका हाथ ऑटोमेटिकली रोटेट करना पड़ेगा आपको तो थम कहां आएगा इनवर्ट टू द प्लेन आ रहा होगा इस चीज़ को आप यूं भी कह सकते हो कि अगर मैं एक प्लेन के ऊपर डॉट लगाता हूं तो ये अपवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और अगर मैं एक प्लेन के ऊपर क्रॉस को लगाता हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा इनवर्ट टू द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए स्क्रू रूल भी यूज़ होता है और स्क्रू रूल बड़ा सिंपल है इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है कन्वेंशनली जब किसी स्क्रू की बात की जाती है तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक स्क्रू को टाइट करना है तो स्क्रू को टाइट करने के लिए क्या आप स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाओगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और अगर एक स्क्रू को अन टाइट करना है तब आप किस डायरेक्शन में घुमाओगे पहला केस एक स्क्रू को टाइट करना चाह रहे हैं तो क्या स्क्रू ड्राइवर हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज और अगर हम उसको अनटाइट करना चाह रहे हैं तो तब किस डायरेक्शन में घूमेगा स्क्रू को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज बिल्कुल ऐसा ही है और यही हमारा राइट हैंड रूल है तमाम एंगुलर क्वालिटीज के लिए जब स्क्रू टाइट होता है तो स्क्रू कहाँ मूव कर रहा होता है इन्वर्ट टू द प्लेन और आप सब जानते हैं कि स्क्रू तभी टाइट होगा जब वो किस डायरेक्शन में घूमेगा क्लॉक इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी क्लॉक घूमे तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है इन्वर्ट टू द प्लेन होती है और जब स्क्रू को अनटाइट करना होगा तो अनटाइट करते हुए स्क्रू कहाँ मूव करता है अपवर्ड ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और इस केस में आप स्क्रू को क्या घुमा रहे होते हो आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमा रहे होते हो तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब बॉडी घूमेगी तो अनटाइट होगा इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है अपवर्ड है तो ये एक स्क्रू रूल है जो आप लोग यूज करते हैं तमाम एंगुलर क्वांटिटीज के लिए मैं यहां पर ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि स्क्रू रूल सिर्फ और सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज नहीं होता ये स्क्रू रूल हमारा तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है और यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है या आउटवर्ड टू द प्लेन या फिर इनवर्ड टू प्लेन तो ये चीज़ें हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से आपको याद रखनी है इसमें क्वेश्चन के जो चांसेस हैं सिंपल होंगे इज इक्वल टू एस ओवर आर आप इजीली उसको सॉल्व करके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं बस ख्याल रखना है यूनिट का कि जब आप थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर का रिलेशन यूज़ कर रहे होंगे तो अगर आपके पास एस की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो आर की वैल्यू भी सेंटीमीटर में अगर एस की वैल्यू मीटर में तो आर की वैल्यू मीटर में तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा वो रेडियन में आएगा तो यूनिट्स अगर आप सही सबसे नहीं करेंगे तो आपका आंसर इनको हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं एक आपको चीज़ रिमाइंड करवाना चाहूँ डायमेंशन और यूनिट के बारे में तो आप क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी है जिसका यूनिट और डायमेंशन दोनों होते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है डायमेंशन नहीं होती ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी है जिसकी हमारे पास डायमेंशन तो होती है यूनिट नहीं होता क्या ऑप्शन आपके पास यहाँ करेक्ट होगी और क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जिसका ना यूनिट है ना डायमेंशन है बिल्कुल आंसर सही आप लिख दे रहे हैं और ये चीज़ अब मैं यहां मेंशन भी कर रहा हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायमेंशन नहीं होती ये डायमेंशन लेस क्वानिटी है लेकिन अगर यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट एग्जिस्ट करता है तो नो डायमेंशन बट हैविंग यूनिट तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि उस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करें जिस क्वांटिटी का यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है तो दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगल आप कह सकते हो और कई दफ़ा इसकी डायमेंशन को यूं लिखा जाता है एल एल माइनस वन और एल एल माइनस वन का मतलब क्या है एल पावर ज़ीरो और जब किसी सिंबल की पावर को जीरो लिखा जाता है तो उसका मतलब क्या है वो डायमेंशन लेस क्वानिटी है एक और चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं किसी ऐसी क्वांटिटी का नाम बताएं जिसकी ना डायमेंशन है ना यूनिट है किसी ऐसी क्वांटिटी का नाम बताएं जिसका ना यूनिट है ना डायमेंशन है बिल्कुल इसको अगर हम सिंपल लिखें आप लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक है हर वो फिजिकल क्वांटिटी जो रेशो है रेशो के बारे में क्या कहा था हमने कि सिमिलर क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं चाहे वो स्ट्रेन हमारे पास है चाहे वो मैकेनिकल एडवांटेज है चाहे एफिशेंसी है चाहे करंट गेन है रेशो अगर कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी तो वो डायमेंशन लेस भी होगी यूनिट लेस भी होगी तो यहाँ से क्या कहेंगे क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये रेशो की एग्जाम्पल है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेशो की एग्जाम्पल है तो आंसर होगा नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ रेशो क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एग्जिस्ट करता है और जो रेशो होती है उसका ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होती है चलते हैं नेक्स्ट एंगुलर क्वांटिटी की तरफ नेक्स्ट एंगुलर क्वांटिटी जो हमारे सिलेबस के अंदर है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के अलावा इसको एंगुलर स्पीड भी कहा जाता है एंगुलर स्पीड के अलावा इसको हम जब ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है और इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है उमेगा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी को बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन किया जाता है जैसे आप वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे होते हो वेलोसिटी को आप क्या डिफाइन करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो जब आपने एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना होगा तो आप क्या कहोगे आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसकी जो डेफिनेशन वो हमें बता रही है कि ये क्या चीज है कि अगर एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही हो और जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम डेल्टा टी में चेंज हो रहा हो कि बॉडी लेट से ए टू बी मूव करती है तो टाइम डेल्टा टी के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज डेल्टा थीटा है तो यहां पर क्या एग्जिस्ट करेगी एंगुलर वेलोसिटी और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी और जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एंगुलर सॉरी विलॉसटी इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर भी हम क्या कह रहे होंगे यहां पर भी हम कह रहे होंगे कि एंगुलर विलॉसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर विलॉसिटी का इसके अलावा रिलेशन क्या होता है अब इसके रिलेशन को आपने याद रखना है ताकि क्वेश्चन अगर आपके पास कोई आए तो सॉल्व कर सकें। इसका रिलेशन हमारा अब ये भी होगा थीटा और मेगा टी था तो मेगा किसके इक्वल है थीटा ओवर टी के ठीक है इसके अलावा इस लेशन को कैसे लिखा जाता है ये समझिएगा कि अगर एक बॉडी वन कंप्लीट रोटेशन करती है तो हम क्या कहते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन में थीटा कितना होता है टू पाए और वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा टाइम पीरियड टाइम कंप्लीट टू वन रोटेशन तो कई दफ़ा आप इस फार्मूला को जो मैं लिख रहा हूं थीटा ओवर टी इसको आप यूं देखते हो टू पाए ओवर टाइम पीरियड तो याद रखिएगा ये फार्मूला अगर कहीं भी लिखा हो तो ये वन कंप्लीट साइकिल के लिए होता है या वन कंप्लीट रोटेशन के लिए होता है या वन कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए होता है और यहां पर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है तो टू पाई एफ भी इसकी जगह लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का इसके अलावा क्या रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी का इसके अलावा रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी वेलोसिटी अब टेंजेंशियल को मैं क्लियर कर दूं कि व्हाट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी जब एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट करती है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी जो होती है दैट इज अलोंग द टेंजेंट और ये जो वेलोसिटी है अलोंग द टेंजेंट लीनियर इस लीनियर वेलोसिटी को कहा जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी और याद रखिएगा ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास है ये किसके अकॉर्डिंग हो रही होती है ये बेसिकली इस पाथ के अकॉर्डिंग हो रही होती है ये डायरेक्शन डिफाइन करती है नेक्स्ट हमारे पास इसका फार्मूला क्या है ओमेगा वी टी ओवर आर हो गया इसको जब हम रिलेट करते हैं एंगुलर और लीनियर फॉर्म के अंदर कि लेट से अगर आपसे पूछा जाए कि वट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वी तो लीनियर और एंगुलर विलॉसिटी के दरमियान रिलेशन का मतलब होता है कि आपने टेंजेंशियल विलॉसटी को और उमेगा को रिलेट करना होता है अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास क्या टेंजेंशियल विलॉसटी आर क्रॉस उमेगा होता है या टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा क्रॉस आर होता है या फिर ये दोनों करेक्ट है बिल्कुल इसका जो आंसर आप लोग दे रहे हैं बीटा वो करेक्ट है कि ये ओमेगा क्रॉस आर होता है ये आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता तो अगर दोनों रिलेशन में से हमसे पूछा जाए कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है तो ये रिलेशन इनकोरेक्ट है और जो करेक्ट फॉर्म इसकी आती है वो ओमेगा क्रॉस आर आती है और इसकी जो सिंपलेस्ट रीजन है वो क्या है वो डायरेक्शन है कि जब आप ओमेगा क्रॉस आर लेंगे तो उसका रिजल्टेंट वी के लॉन्ग आएगा जो करेक्ट होगा तो अगर हम इसको उल्टा कर देंगे आर क्रॉस ओमेगा तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है जो इनकोरेक्ट है इसको हम आगे डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो तब हम इसकी बात करते हैं कि किस तरह से ये आता है इसी चीज़ को जब स्केलर फॉर्म में लिखा जाता है तो स्केलर फॉर्म में इसका जो रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बनेगा v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा और चाहे इसको आर उमेगा लिख दिया जाए और चाहे इसको ओमेगा आर लिख दिया जाए इसमें कोई फर्क नहीं है क्यों क्योंकि ये सिर्फ किसकी बात हो रही है ये मैग्नीच्यूड की बात हो रही है तो मैग्नीच्यूड में इसमें मसला नहीं होता नेचर वाइज हमें पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी है अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी तो इसकी डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो इसकी डायरेक्शन क्या है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो बात में पहले भी कर चुका हूं कि जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है बिल्कुल जियाली लिख सकते हैं कि अगर आप इस रिलेशन को लिखना चाहें कि किस फॉर्म में ये करेक्ट लिखा जाएगा तो अगर ये आर क्रॉस उमेगा है तो फिर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन अगर आ जाएगा तो फिर ये करेक्ट है तो नेगेटिव साइन का होना जरूरी है अब इसकी डायरेक्शन को देखें और अगर आप इसकी डायरेक्शन को समझ लेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा कि उमेगा क्रॉस आर कैसे करेक्ट है इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर आपके पास नोट पैड है तो नोट पैड के ऊपर आप लोग इन वेक्टर्स को ड्रॉ करें कि फर्स्ट करें एक प्लेन में जो बॉडी रोटेट कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज अब आप लोग जानते हैं कि जब एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर विलासिटी की डायरेक्शन क्या होगी राइट हैंड रूल के मुताबिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अगर हम एंगुलर विलासटी की डायरेक्शन की बात करें तो इन दोनों की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी मतलब एंटी क्लॉक के अंदर उमेगा और थीटा दोनों इस डायरेक्शन में होते हैं दूसरा वेक्टर मैं जो यहां पर रिज्यूम करूंगा वो पोजीशन वेक्टर करूंगा कि अगर ये पार्टिकल मेरे पास है जिसका मैस एम है तो इस पार्टिकल का जो पोजिशन वैक्टर है वो ये है और इस पोजिशन वैक्टर को हम नाम दे देते हैं आर का अब मुझे एक जवाब दीजिएगा कि जब ये पार्टिकल जो इस पॉइंट लेट से ए के ऊपर है और ये बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो क्या पॉइंट ए पर टेंजेंशियल वेलोसिटी मैं दो ड्रॉ कर रहा हूं क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी को इस पिंक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे या वेलोसिटी को इस पॉइंट के ऊपर इस वाइट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल आप लोगों से है कि जब पार्टिकल पॉइंट ए के ऊपर है और बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो क्या पॉइंट ए के ऊपर पिंक वेक्टर टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा या वाइट वेक्टर टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है पिंक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा अब यही बात जो ऊपर मैंने मेंशन की आर क्रॉस उमेगा और उमेगा क्रॉस आर से आप देखें कि हम दोनों डायरेक्शंस को ठीक नहीं मान सकते अब आप लोग नेक्स्ट काम क्या करें अब नेक्स्ट आप लोग काम यह करें कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई करें और राइट हैंड रूल को अप्लाई कैसे करना है जो हमने टॉर्क में भी देखा आप अपने राइट हैंड को रखेंगे उमेगा पर और राइट हैंड को उमेगा पे रखकर आर की तरफ कल करें तो खुद देखें जब आप राइट हैंड को आर पे रखकर उमेगा पे रखकर आर की तरफ कल करेंगे तो क्या आपका थम, जो पिंक वेक्टर है, उसकी तरफ आ रहा है राइट हैंड को रखें कहां पर उमेगा पर और राइट हैंड को कल करें टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर आर तो क्या जो थम है वो पिंक वेक्टर की तरफ आ रहा है इस चीज को ऑब्जर्व करें और दूसरी प्रैक्टिस ये करें कि आप आर पर राइट हैंड को रखें और उमेगा की तरफ कल करें सेकंड ये भी चेक करें कि आर पर राइट हैंड को रखें और उमेगा की तरफ अपने हाथ को कल करें तो क्या आपका पिंग वेक्टर की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा तो जिनको भी ये डाउट हो कि हमारे पास उमेगा क्रॉस आर करेक्ट है या आर क्रॉस उमेगा करेक्ट है वो इस राइट हैंड रूल को अप्लाई करके इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे पास क्रॉस आर करेक्ट है या आर क्रॉस करेक्ट है। इस चीज को हम एक और तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपको यहां पर डाउट कोई है तो मैं आपको एक और तरह से इसको समझाता हूं। हम लोग एक्सिस के बारे में जानते हैं कि हमारे पास एक्सिस कौन कौन से हैं ये वाई एक्सिस है, है ये जी एक्सिस है तो जो जी के ऑपोजिट होगा नेगेटिव जी जो वाई के ऑपोजिट होगा नेगेटिव वाई और जो एक्स के ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव एक्स और आपको पता है कि हर एक एक्सिस के साथ उसके साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट करता है एक्स के लॉन्ग अगर आपके पास आई है तो नेगेटिव एक्स के नेगेटिव है अगर वाई के लॉन्ग जे है तो नेगेटिव के नेगेटिव जे है अगर जी के लॉन्ग आपके पास के, तो, -Z के है तो नेगेटिव जी के लॉन्ग क्या है नेगेटिव तो, है अब जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किए थे ओमेगा और आर को उन वेक्टर्स को यहां ड्रॉ करें जो उमेगा मैंने ड्रॉ किया था वो जे के अलोंग किया था और जो मैंने आर को ड्रॉ किया था वो मैंने एक्स के लॉन्ग किया था ऐसा ही है अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि अगर उमेगा अलॉन्ग वाई एक्सिस है और आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी किस एक्सिस के अलोंग है क्या आंसर आप लोग देंगे अगर उमेगा जे के अलोंग है और आर एक्स के लॉन्ग है तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वेक्टर, वो किस एक्सिस के लॉन्ग होगा जी या नेगेटिव जी बिल्कुल आंसर सबका ठीक है नेगेटिव जी अब ये चीज आपको क्लियर होगी नेगेटिव जी अब जरा रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा आप लोगों को ये रूल याद है आई जे के अगर आई क्रॉस जे होगा तो आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा आई क्रॉस जे जो नेक्स्ट यूनिट वैक्टर है K के इक्वल आएगा अगर जे क्रॉस के होगा तो नेक्स्टर कौन है आई उसके इक्वल आएगा और अगर आई होगा तो वो किसके लॉन्ग होगा जे के और हमने साथ ही एक बात और की थी कि अगर ये रिवर्स हो जाते हैं रिवर्स होने का मतलब क्या है रिवर्स होने का मतलब ये है कि अगर जे क्रॉस आई होगा तो ये नेगेटिव के होगा अगर आई मैंने इसमें कोई गलती की जे क्रॉस के सॉरी यहां के आएगा और अगर यहां पर मैं ये लिखता हूं कि मेरे पास जे क्रॉस के होगा तो वो नेगेटिव आई आएगा और इसी तरह अगर आई क्रॉस के होगा तो हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा नेगेटिव जे के अब जरा इस चीज को अप्लाई करके देखें जो हमने वेक्टर ड्रॉ किए थे ओमेगा क्रॉस आर इसमें उमेगा किसके लॉन्ग है जे के लॉन्ग इसमें आर किसके लॉन्ग है इसमें आर आई के लॉन्ग है तो जब आप जे क्रॉस आई तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा जे क्रॉस आई का आंसर आएगा माइनस के तो क्या चीज ये क्लियर हो गई कि हमारे पास जो उमेगा क्रॉस आर होगा वही हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी की और अगर हम गलती से आर क्रॉस ओमेगा ले लेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी वो गलत हो जाएगी बिल्कुल ये मैं इसको रिवर्स कर देता हूं के क्रॉस जे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हम क्यों उमेगा क्रॉस आर लेते हैं और आर क्रॉस उमेगा नहीं लेते और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है वेक्टर्स की फॉर्म में तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हो कि आपको अगर वो एक्सिस दे दे तो एक्सिस के साथ आप यूनिट वेक्टर मेंशन कर दें आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन का आइडिया हो जाएगा सिंपल सा मैंने आपको रूल बताया है कि अगर आपके पास जो उमेगा है वो किसके लॉन्ग हो वो जे के लॉन्ग हो और जो आर है वो आपके पास आई के लॉन्ग हो तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसका उमेगा क्रॉस आर ओमेगा आपके पास जे के लॉन्ग है आई आई के लॉन्ग है तो रूल के मुताबिक अगर तो आई क्रॉस जे होता तो के आता लेकिन अगर हम रिवर्स चलेंगे जे क्रॉस आई तो फिर आपका आंसर क्या होगा वो के नहीं आएगा फिर आपका आंसर क्या आएगा माइनस के तो यही आपका आंसर आया कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो माइनस के के लॉन्ग हो सकती है वो एट अ टाइम दो डायरेक्शन नहीं रख सकती वेक्टर की एक टाइम पर एक डायरेक्शन होती है क्लियर तो ये जस्टिफिकेशन भी है कि क्यों हम उमेगा क्रॉस आर लेते हैं क्योंकि उमेगा क्रॉस आर लेने से ही डायरेक्शन ठीक आएगी आर क्रॉस उमेगा से बॉडी की रोटेशन रिवर्स हो जाएगी और साथ ही साथ हमें ये क्वेश्चन की तरफ भी लेकर जाता है कि अगर हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी और नजर भी आ रहा है ये एंगल भी आपके पास कितना है 90 ये एंगल भी कितना है 90 और ये एंगल भी 90 है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो म्यूजली परपेंडिकुलर अगर हैं तो जो मैंने टॉर्क में बात की थी वो यहाँ भी आप कर सकते हो कि अगर आपको कहा जाए कि वी टी का और उमेगा का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो क्योंकि परपेंडिकुलर है वी टी का और आर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो और इसकी रीज़न क्या है इसकी रीज़न ये है कि इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल नाइन्टी डिग्री है चलें नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से बात करते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका यूनिट क्या होता है वेलोसिटी के अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड है लेकिन कहीं पर भी आपसे ये पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी का कमर्शियल यूनिट क्या है तो एंगुलर वेलोसिटी का कमर्शियल यूनिट आर पी एम होता एंड वट इज आर पी एम आर पी एम मीन पर मिनट अब कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको रेडियन पर सेकेंड को आरपीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये कन्वर्जन बड़ी सिंपल सी है मैं पर आपको करवा देता हूं कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है कि लेट से अगर कहीं पर यूनिट लिखा हुआ है आरपीएम में कितने रेडियन पर सेकेंड होते हैं तो आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन एक रेवोल्यूशन में टू पाई रेडियन और एक मिनट में कितने सेकेंड्सिक्सटी सेकेंड्स तो 2 पाई ओवर 60 क्या रिजल्ट आ जाएगा ये पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास ओमेगा का यूनिट आरपीएम लिखा हो तो आपने सिंपली उस आरपीएम को कन्वर्ट कर लें या उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख दें पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड ये आरपीएम की कन्वर्जन है इसके रिवर्स भी आप रखिएगा इसके रिवर्स फिर क्या होगा कि 1 रेडियन पर सेकंड इज इक्वल टू 30 ओवर पाए रेवोल्यूशन पर मिनट और ये जरूरी है आपको कन्वर्जन आना क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आरपीएम की फॉर्म में मेंशन होता है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अभी क्वेश्चन भी हम करेंगे तो वहां पर भी आपको अगर ये कन्वर्जन याद होगी तभी आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के या एंगुलर स्पीड के या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अदर यूनिट्स क्या हैं तो अदर यूनिट्स के अंदर इसमें डिग्री पर सेकंड भी यूज़ हो रहा होता है डिग्री पर सेकंड के अलावा रेवोल्यूशन पर सेकंड भी यूज़ हो रहा होता है इसके अलावा साइकिल पर सेकंड और जो भी हमारे पास यूनिट बन सकते हैं वो यूज़ हो सकते हैं तो कन्वर्जन अगर इनकी करनी पड़े तो आप इसको भी ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल बनीन अगर बॉडी एंटी क्लाक रोटेट कर रही है थीटा पॉजिटिव है और अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो थीटा नेगेटिव है और सेम गोज फॉर उमेगा ओमेगा के केस में भी ऐसा ही होगा जब हम डिग्री की बात कर रहे होते हैं तो पाए को 180 लिया जाता है और जब हम रेडियन की बात कर रहे होते हैं तो फिर आप पाए की वैल्यू को 3.14 ले रहे होते हैं अगर डिग्री होगा तो पाए की जगह क्या लिखेंगे 180। और अगर आपके पास सात रेडियन है तो निशानी यह है कि आप उसकी जगह थ्री या ट्वेंटी टू को लिख रहे होते हैं मैं आपको अगर इसकी एग्जाम्पल दूं तो ऊपर जब आपने रेडियन की कन्वर्जन को डिस्कस किया था इधर देखें ये कन्वर्जन तो यहां पर हमारे पास क्या है रेडियन है तो यहां पाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो आप 3.14, तब जाकर आपके पास आंसर क्या आ रहा है 57.3 डिग्री तो जब हम रेडियन की कन्वर्जन को कर रहे होते हैं तो पाई की वैल्यू को हमें 3.14 पॉइंट करना होता है आप क्यों कहते हो कि टू पाई रेडियन और थ्री सिक्सटी डिग्री है क्योंकि अगर आप पाई की जगह कर दोगे, तो थ्री डिग्री इक्वल डिग्री आपके पास आ जाएगा एंगुलर एक्सेलेशन की बात करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं उसके बाद फिर हम एंगुलर एक्सेलेशन की तरफ चलेंगे तो कि एक एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं इससे रिलेटेड क्योंकि वेलोसिटी के अंदर मिनट हैंड और हैंड सेकंड हैंड अरसलाम मैं इसकी बात कर दूंगा एंड में ये जो आप पूछ रहे हो मुझे याद है इसका क्वेश्चन मेरे पास ये है कि एक बॉडी रोटेट कर रही है एक सर्कुलर पाथ में और उसकी जो एंगुलर स्पीड है दैट इज थ्री थाउजेंड फाइंड ये करें कि वन सेकेंड के अंदर उसकी नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है सिंपल सा क्वेश्चन है एक बॉडी रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी 3000 आरपीएम है तो वन सेकंड के अंदर उसकी नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है और अगर सेम क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करें और आपका आंसर रेडियन में हो तब आंसर क्या आएगा दोनों सॉल्व करें कि दोनों का आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है और आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है फिफ्टी आप लोग आंसर दे रहे हैं चलिए इसको चेक करते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है अब कौन सा यहाँ पर रिलेशन यूज़ होगा यहाँ यूज़ होगा थीटा इज इक्वल टू उमेगा टी अब उमेगा हमारे पास क्या है थ्री थाउजेंड रेवोल्यूशन पर मिनट कन्वर्ट कैसे करना था एक रेवोल्यूशन में टू पाई रेडियन और एक मिनट में सिक्सटी सेकेंड्स टाइम कितना है वन तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ये जीरो आपके पास कैंसिल होगा सिक्स इंटू फाइव थर्टी तो सिक्स इंटू फिफ्टी थ्री हंड्रेड तो 50 इंटू टू पाए यह आ जाएगा 100 पाए और यूनिट इसका क्या होगा रेडियन तो रेडियन में आएगा 100 पाए अब मुझे चाहिए किस में रेवोलूशंस या रोटेशंस चाहिए तो सिंपल कन्वर्जन याद रखें कि हमारे पास जो एक रेवोल्यूशन है या एक रोटेशन है वो टू पाए रेडियन के इक्वल है तो अगर मुझे वन रेडियन को लिखना है तो वन रेडियन किसके इक्वल आएगा वन ओवर टू पाई रेवोल्यूशन के दैट मीन्स इस रेडियन की जगह मैं वन ओवर टू पाई रिप्लेस कर दूंगा तो जब मैं रिप्लेस करूंगा इसको तो थीटा इक्वल आ जाएगा हंड्रेड पाए और साथ आ जाएगा वन ओवर टू पाए और अब यूनिट क्या आ गया रेवोल्यूशन तो पाए कैंसिल हंड्रेड ओवर टू फिफ्टी रेवोल्यूशन आपका आंसर है इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहीं पर आप इसको मिनट की जगह किस में कन्वर्ट कर लेते सेकंड में तो डायरेक्ट आपके पास पर सेकंड वैल्यू फाइंड हो जाती क्लियर है अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा बल्कि सेपरेट कर देते हैं क्वेश्चन अब क्वेश्चन को समझना है हमारे पास एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट इज़ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर सेकंड एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है टेन सेंटीमीटर तो फाइंड करें कि वन सेकेंड के अंदर उसकी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दूं या फिर अगर मैं नंबर ऑफ रोटेशन कहना चाहूं या रेवोल्यूशन तब भी हो सकता है एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और उस सर्कुलर पाथ के अंदर उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो गिवन है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड उसका जो रेडियस हमारे पास है दैट इज 10 सेंटीमीटर तो फाइंड करें कि वन सेकेंड के अंदर उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है अब आपको एक ऐसा रिलेशन रिक्वायर्ड है जिसमें वी टी और आर आता हो जी 2.5 रेडियन जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है अब देखें ये कैसे सॉल्व हुआ हमें पता है कि हमारे पास जो थीटा का फार्मूला है उसमें ओमेगा तो आता है एस इज इक्वल टू वी टी तो थीटा इज इक्वल टू उमेगा इन टू टी अब हमारे रिलेशन के अंदर उमेगा नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि अगर वी टी और आर होगा तो उमेगा को रिप्लेस किया जा सकता है तो थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा वी टी ओवर आर क्योंकि वी होता है आर उमेगा तो उमेगा क्या हो गया वीटी ओवर आर और साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया टाइम अब यहां सिंपल वैल्यूज पुट करें वीटी की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि तो ऊपर भी सेंटीमीटर रेडियस भी सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर और टाइम कितना है वन तो ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टेन टू पॉइंट फाइव और यूनिट क्या होगा रेडियन तो आप लोग ये फार्मूला नोट कर सकते हैं कि थीटा को कैलकुलेट करने के लिए आपका रिलेशन वी टी ओवर आर भी यूज हो सकता है तो कहीं पर भी अगर ये रिलेशन लिखा हो वी टी ओवर आर इन टू टी तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक सवाल मेरा आपसे है आप लोग घड़ी को देखते हैं घड़ी लेट से आपके पास है जिसके तीन हैंड्स हैं, और हैंड मिनट हैंड सेकंड हैंड वन आरपीएम आपके क्लॉक के अंदर किस हैंड की स्पीड होती है वन आरपीएम मिनट हैंड की सेकंड हैंड की और हैंड की या किसी की भी नहीं होती बिल्कुल आंसर करेक्ट है वन आरपीएम जो स्पीड हमारे पास होती है घड़ी में वो सेकंड हैंड की होती है क्योंकि अगर आप घड़ी के अंदर सेकंड हैंड को देखें तो सेकंड हैंड अपनी एक पूरी रेवोल्यूशन या पूरी रोटेशन कितने मिनट में कवर करती है वन मिनट में इसका मतलब यह हुआ कि सेकेंड हैंड की जो स्पीड है दैट इज वन आर पी एम वन रेवोलूशन पर मिनट मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारी घड़ी में जो सेकेंड हैंड होती है वो अपनी वन कंप्लीट रोटेशन या रेवोल्यूशन कितने टाइम में कवर करती है इन वन मिनट या सिक्सटी सेकेंड इस वजह से उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी वो वन आर पी एम होगी तो डायरेक्ट अगर कोई भी ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वन आर पी एम सेकेंड हैंड की स्पीड होती है तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे हम घड़ी के अंदर जो तीन हमारे पास हैंड्स हैं हम उनकी एंगुलर स्पीड को देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है अब क्लॉक के अंदर सेकंड हैंड है इसकी स्पीड क्या है आरपीएम में और रेडियन पर सेकंड में इसी तरह से मिनट हैंड इसकी स्पीड क्या है और थर्ड हमारे पास क्या है और हैंड इसकी स्पीड क्या होती है स्टार्ट करते हैं सेकेंड हैंड से फार्मूला सबका सेम है अगर आपको फार्मूला समझ आ जाता है कि हमारा फार्मूला क्या है जिसे हमने एंगुलर स्पीड को फाइंड करना है आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और मैं आपको यह कहूंगा कि अगर क्लॉक के अंदर सेकंड हैंड मिनट हैंड या और हैंड की स्पीड को फाइंड करना है तो जो बेस्ट फार्मूला क्लॉक के अंदर एंगुलर स्पीड को फाइंड करने का है वो ये है टू पाए ओवर टाइम पीरियड ये आपको आंसर देगा किसमें रेडियन पर सेकंड में और अगर आप टू पाए को रिप्लेस कर दोगे रेवोल्यूशन से तो ये आपको आंसर देगा रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर अब देखते हैं कि इस फार्मूला को यूज कैसे करना है सेकंड हैंड से स्टार्ट करते हैं अगर मैं सेकंड हैंड की बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारी घड़ी में जो सेकेंड हैंड होता है वो अपनी वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है मतलब जो उसका एंगल है वो वन रेवोल्यूशन है तो वन रेवोल्यूशन वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा आप इसका आंसर देंगे सिक्सटी सेकंड्स में या वन मिनट में ऐसा ही है इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि हमारे पास मिनट हैंड है तो मिनट हैंड अपनी एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है क्या आंसर आप देंगे अब और मिनट हैंड नहीं है, है। अगर मिनट हैंड के अंदर वन रेवोल्यूशन है तो वो वन रेवोल्यूशन जिसको आप टू पाए रेडियन भी कह सकते हो वो कितने टाइम में कवर करेगा का आंसर ठीक है वन आर और क्या मैं वन आर की जगह लिख सकता हूं सिक्सटी मिनट्स में क्योंकि जब तक सिक्सटी मिनट्स नहीं हमारे पास होंगे जो मिनट हैंड है वो अपनी एक रोटेशन मुकम्मल नहीं करता तो यहां से ये तो आपको आइडिया हो गया कि सेकंड हैंड और मिनट हैंड की स्पीड सेम नहीं होती सेकंड हैंड रोटेशन कंप्लीट करता है 60 सेकंड्स में और मिनट हैंड रोटेशन कंप्लीट करता है 60 मिनट्स में अब आ जाए और हैंड की तरफ सेम चीज़ अगर हमसे और हैंड के बारे में पूछी जाए कि जो आर हैंड है वो अपनी एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन जिसको टू पाए रेडियन बोल सकते हो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा क्या आंसर देंगे इसका और हैंड अगर फर्ज करें ट्वेल्व के ऊपर है तो वो दोबारा 12 पे कब आती है बारह घंटों के बाद तो ये ट्वेल्व आवर्स आपके पास आएगा और फर्दर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते तो वो आ जाता है वो बाद की बात है ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए तीनों के अंदर अगर आपको ये तीनों चीजें पता है तीनों के लिए आप इजीली इनकी एंगुलर स्पीड को फाइंड कर सकते हैं अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेकंड हैंड है उसका जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली 60 सेकंड है ये वाला क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मिनट हैंड का जो टाइम पीरियड है वो 60 मिनट है क्योंकि वन रोटेशन का टाइम है और इसी तरह जो आर हैंड है उसका टाइम कितना है वो ट्वेल्व आर है जो उसका टोटल टाइम था अब आगे कुछ भी नहीं है आपने करना क्या है इस एंगुलर स्पीड के फार्मूला में टाइम को रिप्लेस करते जाना है तीनों की एंगुलर स्पीड फाइंड हो जाएगी अब तीनों की एंगुलर स्पीड देखें सबसे पहले सेकेंड हैंड से स्टार्ट करते हैं फार्मूला था टू पाई ओवर टाइम पीरियड मिनट हैंड में भी ऐसा ही लिख दो टू पाई ओवर टाइम पीरियड और आर हैंड में भी ऐसा ही लिख दो टू पाई ओवर टाइम पीरियड अब बस सिर्फ टाइम रिप्लेस करना है यहाँ टाइम पीरियड सेकेंड हैंड का यहाँ टाइम पीरियड मिनट हैंड का और यहाँ टाइम पीरियड और हैंड का तीनों के आंसर आ जाएंगे ऊपर टू पाई ही रहेगा यहां पर आ जाएगा सिक्सटी सेकेंड यहां पर आ जाएगा सिक्सटी मिनट और यहां पर क्या आपके पास आ जाएगा यहां पर आ जाएगा ट्वेल्व आर तीनों के आंसर आ गए अब आंसर देखें क्या है? इसका आंसर आपके पास आया पाए बाय थर्टी रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर क्या आया पाए बाय थर्टी लेकिन रेडियन पर मिनट और इसका आंसर क्या आया पाई बाय सिक्स रेडियन पर आर अब सेकंड में कन्वर्ट कर लें जिसको करना चाह रहे हैं इसको अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं सिक्सटी तो यहां सिक्सटी मल्टीप्लाई कर दें ये रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा और इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वन आर में कितने सेकंड होते हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड तो थर्टी सिक्स हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दें ये रेडियन पर सेकंड में फाइंड हो जाएगा तो अगर आपको मिनट हैंड सेकंड हैंड और आर हैंड का टाइम पीरियड पता है आप उनकी एंगुलर स्पीड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपके सामने कैलकुलेशन है है सिर्फ टाइम टाइम पीरियड पीरियड की गेम पता चल गया आपका आंसर आ गया अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें आपको आंसर पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा जब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो सिंपल है ये आ जाएगा पाई ओवर 1800 रेडियन पर सेकेंड और इसी तरह से जब थर्टी सिक्स हंड्रेड को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो और हैंड उसकी भी स्पीड आ जाएगी और वो आएगी पाए टू वन सिक्स डबल जीरो और सात यूनिट क्या आएगा आपके पास रेडियन पर सेकेंड अब ये आपको तीनों हैंड्स की एंगुलर स्पीड पता चल गई और ये एंगुलर स्पीड आपके पास किस यूनिट के अंदर है ये रेडियन पर सेकेंड में है अब जल्दी से एक काम करें इन तीनों की स्पीड को आरपीएम में कैलकुलेट करके बताएं क्या आएगी ये तो कैलकुलेशन आ गई रेडियन पर सेकंड में आरपीएम में कैलकुलेट करें क्या आएगा चलें अब मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका क्या है आंसर फाइंड करने से पहले सिंपल शॉर्टकट देख लें क्या है कि ये फार्मूला तो मैंने ये लिखा था कि जब आपने रेडियन पर सेकेंड में करना है इसी तरह से अगर आपने एंगुलर स्पीड को कैलकुलेट करना है आर पी एम में तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर ऊपर ले लेंगे थीटा की जगह नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और ऑबियसली हम किसकी बात कर रहे हैं वन रेवोल्यूशन की और नीचे वन रेवोल्यूशन के साथ वन रेवोल्यूशन का टाइम ले लें किस में मिनट में तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा वो आर पी एम में आ जाएगा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या आपका जो एंगल है वो वन रेवोल्यूशन सबके लिए ले लें और नीचे टाइम को मिनट में सबसे करना शुरू कर दें अब देखते हैं तीनों का आंसर क्या आता है सेकेंड हैंड अगर हम बात कर रहे हैं वन रेवोल्यूशन की तो सेकेंड हैंड वन रेवोल्यूशन कितने मिनट में कवर करता है वन मिनट में तो ये इसका आंसर आ गया वन आर पी एम मिनट हैंड की बात करते हैं मिनट हैंड अपनी एक रेवोल्यूशन कितने मिनट में कवर करता है सिक्सटी मिनट्स में तो आपके पास आंसर आ गया वन ओवर सिक्सटी आर पी एम और इसी तरह से अगर आर हैंड की बात करें तो ऑर हैंड अपनी वन रेवोल्यूशन कितने मिनट्स में कवर करता है ट्वेल्व आवर्स में तो मिनट्स के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लियर तो यह आपके पास ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा मिनट में तो वैल्यू क्या आ जाएगी वन ओवर सेवन ट्वेंटी आर पी एम तो ये तीनों वैल्यूज आपने देख ली कि किस तरह से कैलकुलेट होती है, minute हैं मिनट हैंड ऑर हैंड और सेकेंड हैंड के लिए तो इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आता है सेकेंड हैंड मिनट हैंड और आर हैंड तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर, एंगुलर एक्सेलेशन की एंगुलर एक्सेलेशन ये आपका रोटेशनल एनालॉग है लीनियर एक्सेलेशन का इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसे अल्फा से और यहां पर मैं पॉइंट स्पेसिफिकली बता दूं कि एंगुलर एक्सेलेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है इस यूनिट के एंड के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से वेरिएबल्स नहीं हैं लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ऑब्वियसली सिस्टम एक्सेलेट कर रहा है तो अगर एक्सेलेट रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है एंगुलर एक्सेलेशन इज ओनली डिस्कस फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब बॉडी एक्सेलेट कर रही होती है तब यूज होगा एंगुलर एक्सेलेशन है क्या एंगुलर एक्सेलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इसका मतलब जब हमारे पास बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तभी हमारे पास एंगुलर एक्सेलेशन एग्जिस्ट करती है इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका रिलेशन हमारे पास आएगा एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी अब जिस तरह आप कहते थे ना एक्सेलेशन के अंदर कि एक्सेलेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के लॉन्ग होती है इसी तरह एंगुलर एक्सेलेशन की डायरेक्शन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है डेल्टा ओमेगा के अलोंग ओमेगा के अलोंग नहीं होती आप कहते हैं कि वेलोसिटी इनक्रीज करेगी तो एक्सेलेशन वेलोसिटी के पैरेलल होगी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो एक्सलेशन एंटी के एंटी पैरेलल होगी यहाँ भी वही बात है अगर उमेगा इनक्रीज कर रहा होगा तो उमेगा और अल्फा पैरेलल होंगे और अगर उमेगा डिक्रीज कर रहा होगा तो उमेगा और अल्फा एंटी पैरेलल होंगे तो अल्फा इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इसके अलावा अल्फा का क्या रिलेशन होता है इसके अलावा अल्फा को हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो टेंजेंशियल एक्सेलेशन भी तभी इन्वॉल्व होगी जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अगर बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है यूनिफॉर्म मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलेशन ज़ीरो होती है इसके अलावा अल्फा का फार्मूला टॉर्क से भी आता है टॉर्क होता है आई अल्फा तो अल्फा किसके इक्वल आएगा अल्फा टॉर्क और मूमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो के इक्वल आएगा तो ये रिलेशन हमारे पास है एंगुलर एक्सेलेशन के एक और चीज यहाँ पर इस रिलेशन से मैं आपको बता दूं जो अल्फा का रिलेशन है यहां से हम ये लिखते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलेशन इज इक्वल टू आर अल्फा और अगर इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखा जाएगा ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर जैसे वहां पर कहा था कि क्या रिलेशन होता है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटी में तो यहां ये रिलेशन है लीनियर और एंगुलर एक्सेलेशन का एंगुलर एक्सेलेशन अल्फा और जो लीनियर एक्सेशन है वो क्या है वो टेंजेंशियल है कश्यप दोबारा सोचें जो आप पूछ रहे हैं स्केयर नहीं आएगा ऊपर ए टी है नीचे आर है ए टी मीटर पर सेकंड स्केयर तो कैसे आप कह रहे हैं कि वो आएगा ठीक है दोबारा एक दफा देखें स्केयर नहीं आता स्केयर आता है सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के फार्मूला में मैं यहां लिख देता हूं वो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का फार्मूला होता है जहां पर आर ओमेगा स्क्यर होता है जो टेंजेंशियल एक्सेलेन हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है वह आपके पास आर एल्फा होता है ये डिफरेंस याद रखिएगा बाकी जो टेंजेंशियल एक्सेलेशन होती है दैट इज इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि अगर हमारे पास एक बॉडी की टेंजेंशियल जो स्पीड है वो चेंज हो रही है कि कैलट से एक बॉडी कर पाथ में मूव करती है शुरू में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है टू सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो तब वहां पर टेंजेंशियल एक्सलेशन एग्जिस्ट करेगी स्टार्ट में बता दिया था कि मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डिफरेंस बताऊंगा वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा इधर मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ याद रखिएगा कि जब बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है और टेंजेंशियल एक्सेलेशन टेंजेंशियल स्पीड की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है ये कंफ्यूजन आप दूर कर लें कि अगर हमारे पास बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो तब भी टेंजेंशियल एक्सलेशन होगी डायरेक्शन चेंज होने का ताल्लुक सेंटिपिटल एक्सिलेशन से होता है और मैग्नीट्यूड चेंज होने का ताल्लुक टेंजेंशियल एक्सलेशन से होता है ये टॉर्क वाला फार्मूला आपने टॉर्क के रिलेशन में लिखा था आप उसको लगता है भूल गए हैं ये टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये रिलेशन याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलेशन के कहां पर कौन सा यूज होना है यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हमारे पास अगर ऐसा ही पूछा जाए तो ऐसा यूनिट क्या होगा ऐसा यूनिट विल बी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के अलावा अगर अदर यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास इसका यूनिट डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी यूज हो सकता है रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी यूज हो सकता है और इसके अलावा इवन साइकिल पर सेकंड स्क्वायर या मिनट स्केयर कुछ भी आप लिख सकते हैं वो यूज हो सकता है लेकिन मेनली आप देखेंगे कि इसका यूनिट जो यूज हो रहा होगा वो रेडियन पर सेकेंड स्केयर यूज हो रहा होगा अब आ जाए डायरेक्शन की तरफ जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज है हर एंगुलर क्वांटिटी की तरह इसकी जो डायरेक्शन है वो भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है हर एंगुलर क्वांटिटी की तरह ये भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा या अपवर्ड होगा या डाउनवर्ट होगा बिल्कुल ज्यादा शायद वन रोटेशन या वन रेवोल्यूशन या वन साइकिल एक ही चीज होती है अब एक और चीज याद रखिएगा डायरेक्शन के बारे में कि क्या एंगुलर एक्सेलेशन हमेशा एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग होता है तो आंसर होगा नो एंगुलर एक्सेलेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा ओमेगा ओमेगा के सिर्फ अलोंग नहीं होता एक्सियल एक्सेलेशन और एंगुलर एक्सेशन सेम चीज़ होती है जो अलॉन्ग एक्सिस क्वानिटीज़ होती हैं उनको एक्सियल बोलते हैं जो अलॉन्ग टेंजेंट होती हैं उनको टेंजेंशियल बोलते हैं और जो अलॉन्ग रेडियस होती हैं उनको रेडियल बोलते हैं इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड भी की हुई है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज एंगुलर हैं कौन सी टेंजेंशियल हैं कौन सी एक्सियल है ख़ास तौर पर सर्कुलर मोशन के अंदर अब यहाँ पर दो केसेस हैं जब उमेगा इंक्रीज़ हो रहा होगा और जब उमेगा डिक्रीज हो रहा होगा स्पीड बढ़ रही है और स्पीड कम हो रही है और दोनों केसेस में मैं मोशन ले लेता हूं एक ही कि बॉडी रोटेट कर रही है किस डायरेक्शन में इन एंटी क्लाक डायरेक्शन अगर उमेगा इंक्रीज़ हो रहा हो और बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लाक डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ओमेगा अपवर्ड होगा और उमेगा चाहे डिक्रीज कर रहा हो तब भी ओमेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और कहाँ होगा वो अपवर्ड ही होगा इसका मतलब ये है कि चाहे उमेगा इंक्रीज करे चाहे उमेगा डिक्रीज करे उमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होती वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहती है लेकिन अल्फा के बारे में क्या कहेंगे जब ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा तो आपके पास एंगुलर एक्सेलेशन जो होगी वो उमेगा के अलोंग होगी मतलब उमेगा और अल्फा ये दोनों पैरेलल होंगे आप ये भी कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बॉडी रोटेट कर रही है और उमेगा आपका इंक्रीज कर रहा है तो उमेगा की डायरेक्शन भी अपवर्ड है और आपके पास अल्फा की डायरेक्शन भी अपवर्ड है लेकिन अगर उमेगा डिक्रीज कर रहा होगा तब क्या होगा अल्फा तब उमेगा तो उसी डायरेक्शन में रहेगा लेकिन अल्फा एक्सेशन नेगेटिव हो जाएगी और उसके एंटी पैरल हो जाएंगे यानी अगर बॉडी की मोशन एंटी क्लॉक वाइज ही है लेकिन अब उसका ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो उमेगा तो रूल के अकॉर्डिंग अपवर्ड ही रहेगा लेकिन अब अल्फा अपवर्ड नहीं होगा उसके अगेंस्ट चला जाएगा और डाउनवर्ड और तब कहते हैं ये नेगेटिव एंगुलर एक्सेलेशन है इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास आती है वो आती है फैन की जब आप फैन को स्विच ऑन करते हैं तब वो मेगा इंक्रीज करता है वो मेगा और अल्फा क्या होंगे पैरेलल। और अगर आप इलेक्ट्रिक फैन को मैं स्पेसिफिकली सीलिंग फैन की लेट से बात कर रहा हूं उसको स्विच ऑफ़ कर दें तो तब हमारे पास उमैगा और अल्फा क्या होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे अब अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में अगर सीलिंग फ़ैन इंस्टॉल है तो सीलिंग फ़ैन की रोटेशन के अकॉर्डिंग बताएं क्या उमैगा अपवर्ड है या डाउनवर्ड है सर उमेगा की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके रूम में सीलिंग फैन लगा हुआ है और वो सीलिंग फैन चल रहा है तो क्या हमारे पास उमैगा अपवर्ड है या डाउनवर्ड है आप ये देखें कि ऑब्जर्वर किस साइड के ऊपर है ऑब्जर्वर की साइड के अकॉर्डिंग आंसर दें ऑब्जर्वर आप हैं आप नीचे हैं और अगर आप नीचे हैं तो फैन रोटेट कर करें एंटी क्लॉक वाइज तो जब आप फिंगर्स को एंटी क्लाक वाइज रोटेट करेंगे तो आपका थम डाउनवर्ड आएगा आपकी तरफ एक दफा दोबारा इस चीज़ को सोचें और आंसर दें कि आपका फैन एंटी क्लॉक वाइज अगर घूम रहा है तो ऑब्जर्वर आप हैं ऑब्जर्वर अगर आप हैं तो आपका थम अपवर्ड आएगा डाउनवर्ड आएगा इसका आंसर डाउनवर्ड होगा अपवर्ड नहीं होगा मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देता हूँ कि फर्स्ट करें हमारे पास ये एक रूम की सीलिंग है और यहाँ पर आप खड़े हैं और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस सीलिंग के साथ सीलिंग फैन अटैच है अगर ये सीलिंग फैन रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज़ तो आप अपने अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे, जब अपनी को करेंगे wise, तो आपका जो थम आ रहा होगा वो किस डायरेक्शन में आ रहा होगा वो आपकी तरफ आ रहा होगा डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं आएगा इस रूल को समझें कि कैसे अप्लाई करना है कि जब आपका फैन रोटेट करेगा एंटी क्लॉक तो फैन आपके सामने है अपने सामने रखते हुए अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉक वाइज तो आपका थम कहां आएगा डाउनवर्ड आएगा इसका मतलब ओमेगा की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है आपकी तरफ होती है जब आप पेपर के ऊपर एंटी क्लॉक वाइज कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो थम आपकी तरफ होता है एंटी क्लॉक वाइज में और क्लॉकवाइज में आपसे अवे होता है तो इसी तरह फैन अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो थम आपकी तरफ होगा आपसे अवे नहीं होगा तो फैन की रोटेशन के हवाले से याद रखिएगा कि फैन एंटी क्लॉक रोटेट करता है और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है अब दोनों केसेस में खुद अप्लाई करके ले देख लें कि जब आप फैन को ऑन करेंगे और फैन को ऑफ करेंगे तो क्या होगा जब आप फैन को ऑन करेंगे तो उमेगा तो डाउनवर्ड है और उमेगा इंक्रीज कर रहा है आपका एल्फा भी डाउनवर्ड होगा और पॉजिटिव होगा और जब आप फैन को ऑफ करेंगे तो आपके पास उमेगा तो डाउनवर्ड रहेगा लेकिन अब वो डिक्रीज करेगा स्पीड कम हो रही है अब अल्फा डाउनवर्ड नहीं होगा अपवर्ड होगा और क्या होगा नेगेटिव होगा तो ये क्वेश्चन आपने ख्याल रखना है कि अगर फैन से रिलेटेड आए स्पेसिफिकली मैं सीलिंग फैन की बात कर रहा हूं तो तब आपके पास उमैका डाउनवर्ड ही होता है फैन एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं तो उस केस के अंदर ऑन करेंगे दोनों डाउनवर्ड ऑफ करेंगे उमैका तो डाउनवर्ड रहेगा लेकिन अल्फा कहाँ होगा अपवर्ड अगर मैं साथ ही साथ थीटा की बात भी कर लूँ तो थीटा और उमेगा हमेशा एक दूसरे के अलोंग होते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता मेन मसला एक्सलेशन का होता है एक्सलेशन या तो वेलोसिटी के अलोंग होती है या वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो इससे यह पता चल सकता है कि अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है अनलेस हमारे पास वैल्यूज ना हो हम कैसे कह सकते हैं कि अल्फा डिक्रीज हो रहा होगा या इंक्रीज हो रहा होगा क्लियर तो हमें सिर्फ यह पता चलता है ओमेगा के इंक्रीज होने से कि क्या अल्फा पॉजिटिव है या फिर अल्फा नेगेटिव है जब पंखे को चलाते हैं तो तब स्पीड शुरू में कांस्टेंट नहीं हो जाती और जब बंद करते हैं तब भी कांस्टेंट नहीं रहती कांस्टेंट दरमियान में जाके होती है फैन को ऑन करेंगे स्पीड बढ़ेगी फैन को ऑफ करेंगे स्पीड कम होगी एंगुलर एक्सेलेशन की बात हमने कर ली कि एंगुलर एक्सलेशन हमारे पास क्या है और किन फार्मूला से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अब इन तमाम जो हमने एंगुलर क्वांटिटीज की बात की इन एंगुलर क्वांटिटीज के अलावा जो और भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है मैं पहले बता चुका हूं तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे और कल हम बात करेंगे सेंटिपिटल फोर्स सेंटिपिटल एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन में सिंपली क्या करना होता है जो लीनियर मोशन हमारे पास होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट यूज होती है तो एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर में विलासिटी यूज होती है यहाँ विलॉसटी को रिप्लेस कर देती है एंगुलर विलॉसिटी और हमारे पास लीनियर में एक्सेलेशन यूज होती है जिसको यहां रिप्लेस कर दिया जाता है एंगुलर एक्सी तो अगर मैं वही इक्वेशंस जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर थ्री यूनिट नंबर टू में उनको एंगुलर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा उमेगा इन टू टी अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को लिखूं तो क्या लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ टाइम अल्फा टी स्क्वायर और इस सेकेंड से रिलेटेड मैं आपको एक कंडीशन बता दूं कि जितनी भी रोटेटिंग बॉडीज़ हैं शुरू में उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो जाती वो हमेशा अपनी रोटेशन को रेस्ट से स्टार्ट करती हैं जब अपनी रोटेशन को रेस्ट से स्टार्ट करेंगी तो हमारे पास ओमेगा आई की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी थीटा इज इक्वल टू हाफ टाइम एल्फा टी स्क्वायर आपकी बुक में एक सॉल्व एग्जांपल है जो इस फार्मूला से यूज सॉल्व होती है ये उसी तरह से है जैसे एक बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया जाए तो वहां पर वी आई जीरो होता है तो यहां पर भी हर रोटेटिंग बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है ओमेगा उमेगाक्वेशन टू एल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वेयर माइनस ओमेगा आई स्क्र और यहां पर भी अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई कर दूं जो रेस्ट पोजिशन वाली है ओमेगा को मैं पुट करूं तो हमारे पास क्या चीज हो जाएगा इस इक्वेशन में चेंज होकर चेंज होकर यह आएगा टू एल्फा थीटा इज इक्वल टू उगा एफ स्क्र अब इन दोनों फार्मूलाज की इंपॉर्टेंस को देखें कि ये जो फार्मूला मैंने लिखा ये फार्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी है और जो नीचे मैंने फार्मूला लिखा ये फार्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो डेटा जो गिवन होगा उससे आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा रिलेशन यूज करना है और लास्ट जिसको हम फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं एस इज इक्वल टू वी टी उसको अगर यहाँ पर लिखा जाए तो लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल टू उमेगा और ये एवरेज होता है इन टू टाइम और इवन कई दफ़ा हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा उमेगा आई प्लस उमेगा एफ डिवाइड बाई टू इन टू टी तो ये हमारे रिलेशन हैं जिनको हम इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन का नाम देते हैं इनको यूज करना आना चाहिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड डेटा आपको बता देगा कि आपने कौन सा रिलेशन यहां पर यूज करना क्वेश्चन ये है कि अवील स्टार्ट्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोटेट्स विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन of 2 radian per second square Kya find karein? find the number of rotations it perform in 10 second Ab मुश्किल नहीं है आपको याद है कि हमने जब यूनिट नंबर टू पढ़ा था तो मैंने डिस्टेंस कवर्ड इन एंथ सेकंड का शॉर्टकट बताया था यह भी वही चीज़ है आपको यहां पर यह कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशं इन टेंथ सेकेंड इन एंथ सेकेंड तो जैसे आपने वहां पर शॉर्टकट यूज किया था बस आपने क्वांटिटी को रिप्लेस करना है तो अगर आपसे यह कहा गया है कि नंबर ऑफ रोटेशंस फाइंड करें इन एंथ सेकंड, तो शॉर्टकट क्या होगा वहां एस एन था या थीटा एन है वहां वी आई था या उमेगा आई है वहां पर ए बाई टू था यहां एल्फा बाई टू है और ये टू एन माइनस वन तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है कि जब भी आपको एंथ रोटेशन के अंदर चाहे बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो या ना हो नंबर ऑफ रोटेशन को फाइंड करना हो तो यहां अगर मैं डाटा में वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास उमेगा आई जीरो है एल्फा कितना है टू एन कितना है 10. ये 2 कैंसिल हो गया और यहां पर 20 1 क्या आएगा आपके पास आएगा 19 और यूनिट इसका क्या होगा अब यूनिट इसका रोटेशन नहीं है इसका यूनिट होगा 19 रेडियन क्योंकि हमने जो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट यूज किया वो रेडियन था तो इसका आंसर भी रेडियन में होगा अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है रोटेशंस के अंदर तो क्या मेथड होगा रोटेशन में कन्वर्ट करने का अगर रेडियन को रोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर दोगे के टू पाए से ये रेवोल्यूशन में या रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन टू पाए रेडियन होता है और इसी तरह से जो वन रेडियन होगा वो वन ओवर टू पाए रेवोल्यूशन या रोटेशन के इक्वल होगा तो नाइनटीन ओवर टू पाए को सॉल्व करना है अब यहाँ पर अब खुद से वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत अज्यूम करोगे कि पाए हमारे पास है थ्री पॉइंट वन फोर इसको आप ले लें थ्री तो थ्री इंटू टू सिक्स ऊपर नाइनटीन को एटीन एज्यूम कर लें तो एटीन डिवाइड बाय सिक्स अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा थ्री रेवल्यूशन या थ्री रोटेशन तो टेंथ सेकंड में वो तीन रोटेशन को कंप्लीट करेगा तो ये शॉर्टकट बेसिक में बताना चाह रहा था कि जैसा आपने डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड में किया यहां पर भी वैसा ही शॉर्टकट यूज हो सकता है सेम क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में मैं अगर ये चेंज कर देता मैं ये कह देता कि फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन इट परफॉर्म इन टेन सेकेंड्स सेम क्वेश्चन अब मैं उसमें चेंज ये कर देता हूं कि अब आपने उस क्वेश्चन में ये करना है फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस इन टेन सेकेंड्स अब दोनों में फर्क क्या दोबारा इसको देख लें अब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी उमेगा आई की जगह जीरो पुट कर दिया एल्फा कितना था टू एल्फा की जगह टू बोल देंगे एन कितना है टेन एन की जगह टेन लिख दिया टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो टू इन टू टेन ट्वेंटी माइनस वन नाइनटीन रेडियन आ जाएगा और फिर रेडियन को रोटेशन या रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए टू पाई से डिवाइड कर देंगे पाई कितना होता है थ्री पॉइंट वन फोर तो अप्रोक्सीमेशन से करने के लिए ऊपर कर लेंगे एटीन है तो नीचे थ्री इंटू टू सिक्स एटीन ओवर सिक्स थ्री रेवोल्यूशन आंसर आएगा अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रोटेशन इन टेन सेकेंड इसके लिए आप इक्वेशन को यूज करोगे कौन सी सेकेंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस हाफ एल्फा टी स्क् क्या है जीरो

हमारे पास थीटा का क्वेश्चन आता है एक दफा वो कहता है कि थीटा कैलकुलेट करें एन सेकेंड्स में और एक दफा वो कहता है कि थीटा कैलकुलेट करें एंथ सेकंड में ये दोनों चीजें डिफरेंट है टेंथ सेकेंड और टेन सेकेंड्स फर्क है अगर एन सेकंड्स में आपने कैलकुलेट करना है थीटा आप फार्मूला यूज करोगे थीटा इज इक्वल टू उमेगा आई टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर और यहां पर जो एन है वो आप किससे रिप्लेस कर रहे हो टी से लेकिन जब आपको कह दिया जाएगा तब आपका फार्मूला क्या होगा टू इन टू टू एन माइनस वन और यहाँ क्या होगा ये जो एन होगा वो यहां पर रिप्लेस हो रहा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन का मैंने आपको कंपैरिजन दे दिया कि कब आपने कौन सा रिलेशन यूज कर रहे हो ना